शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में कुछ चीजों का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। यदि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करते समय लोहे का उपयोग किया जाए तो श्राद्ध पूर्ण नहीं माना जाता है। पितरों का श्राद्ध करते समय लोहे के बर्तन या अन्य वस्तु इस्तेमाल की गई है तो पितरों का श्राद्ध पूर्ण नहीं होता है। शास्त्रों में लोहे या फिर अन्य वस्तुओं को अशुद्ध बताया गया है, इसलिए पितरों का श्राद्ध करते वक्त चांदी या फिर पत्तल पर भोजन कराने का विधान बताया गया है। लोकल 18 को क्या कहते हैं हरिद्वार के धर्माचार्य, सुनिए। पितरों को प्रिय तो चांदी है, सोने का वर्जना, सोने का तो विधान है ही नहीं पितरों के निमित्त में, या तो चांदी का बर्तन या फिर पत्ते, वो भी ढाक के पत्ते का। इसके अतिरिक्त लकड़ी हुआ या मिट्टी के बर्तन हुए, ये सब अशुद्ध बताए गए हैं पितृ कार्य के लिए। तो लोहे का बर्तन भी तो सबसे अशुद्ध बताया गया है, क्योंकि लोहे के पात्र में जिस पितृ के निमित्त कर देंगे उस पितृ की अधोगति हो जाती है, इसलिए निषेध कहा गया है। उससे श्रद्धा, श्रद्धा का दान अनिवार्य है। श्रद्धा से पितरों के निमित्त आप ब्राह्मण भोजन कराएं, उसको वस्त्र दान करें, जूता चप्पल छत्र आदि, गौ दान आदि कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म में ये विशेष विधान कहा गया है, लेकिन पितृ गाय या देवता तीन ही को भोजन कराने का विधान है। कई लोग प्रमादवश देखा देखी, कई बार क्या होता है कि गरीब आदमी को भोजन कराते हैं, अनाथालय में भोजन कराने के लिए चले जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इन जीवों को भोजन कराने का पुण्य बहुत अधिक है, पर श्राद्ध में नहीं। श्राद्ध में ब्राह्मण, गाय या फिर देवता, इन्हीं तीन को भोजन कराएं। इसके अतिरिक्त किसी और को भोजन करा के अपने पितरों को उस अधोगति न डालें।